साथियों नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर साथियों हमारी बात कर रही है संस्कृत ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज और उसमें आज हमारा अगला टॉपिक है संस्कृत अनुवाद संस्कृत अनुवाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है सवाल आते हैं बार बार और साथियों हम इससे पहले बात कर चुके हैं अनेक टॉपिक हमारे हो चुके हैं छः टेस्ट हमारे हो चुके हैं पीछे के टेस्ट यदि आपने दिए हैं तो आप चैनल पर जाइए टेस्ट सीरीज की जो प्ले है वो बनी हुई है आप प्ले में जाके देख सकते हैं इसमें आपके कितने अंक सही हो रहे हैं वो आप कमेंट करके बता देना वैसे साथियों ये टॉपिक यदि आप दसवीं के बाद आप जैसे संस्कृत नहीं पढ़िए आपके ग्रेजुएशन में बी एड यादि में संस्कृत नहीं रही है तो आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है लेकिन इसके लिए मैं एक विशेष वीडियो और बना दूंगा मेरा क्लास ली हुई है मेरी पहले आप जो सर्च करेंगे संस्कृत पर राम सर यूट्यूब पे तो उसमें प्ले लिस्ट में आप नीचे जाएंगे तो संस्कृत अनुवाद नाम से एक क्लास मिलेगी उसको आप एक बार जरूर देखें उसके अलावा ये क्लियर तभी होगा जब आपको शब्द रूप और धातु रूप ये जो तरीका है ये आराम से समझ में आ गया हो और ये आपको अनेक शब्द रूप धातु रूप याद हो गए हो ठीक है कारक आपको याद हो गए हो इसके लिए मैं दो छोटे छोटे अलग अलग वीडियो बना दूंगा संस्कृत में ठीक है विभक्ति कारक शब्द रूप का एक अलग और लकार और धातु रूप का एक अलग किस प्रकार से आप संस्कृत से हिंदी अनुवाद कर पाएंगे एकदम ईजी हो जाएगा आपके ठीक है वो वीडियो आप देख सकते हैं पहले आप आराम से टेस्ट दें टेस्ट देने से पहले भी आप क्लास ले सकते हैं क्लास के लिए आपको ये सर्च करना है संस्कृत में आराम से और आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको हिंदी अनुवाद जो है संस्कृत अनुवाद वो आपको क्लास मिल जाएगी साथियों क्लास शुरू होने से पहले एक बार सभी शेयर कर दें अपने साथियों को जोड़ते रहें और साथियों कल शाम से हिंदी की टेस्टरी शुरू हो चुकी है और पेपर की ठीक है तो आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं इसी चैनल पे है यूट्यूप पे ही रहनी है हमारे हिंदी की संस्कृत की टेस्टरी जो भी है ठीक है वो कहाँ पे रहनी है केवल और केवल यूट्यूब पर ही है अभी क्या है यूट्यूब पर ही सभी क्लासे हैं टेस्ट टेस्ट सीरीज है टेश्ट टेश्ट वो आपकी यूट्यूब पर ही मिलेगी आपने पहले नहीं दी तो बाद में जाकर वो टेस्ट सीरीज वो वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं ठीक है तो ये वीडियो आप क्लास में आपके उपलब्ध करा दूंगा बाद में अब आप सभी साथी शेयर करते रहें जो भी साथी है अपने साथी को जोड़ते रहे हिंदी की क्लास में जोड़े और यहाँ पर भी जोड़ें ठीक है टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं अपनी कलम अपने नाम से आप सर्च कराएँ टेलीग्राम पर इंस्टाग्राम पर बहुत साथी जुड़ रहे हैं आप भी जुड़ सकते हैं ठीक है साथियों हिंदी की टेस्ट सीरीज से जो भी साथी साथ जुड़े अभी दोबारा कह रहा हूँ आप वहाँ से जरूर जुड़ें ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज हमने इसीलिए स्टार्ट किए कि आप समझ पाएँ किस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं आज तक आठ दो हज़ार ग्यारह बारह पंद्रह सत्रह दो हज़ार इक्कीस और किस प्रकार से उसके सवाल बने हैं किस प्रकार से उसका लेवल रहता है वो सभी बातें आप समझ पाएँ क्योंकि हमारी परीक्षा में आधे सवाल लगभग समझ पर आधारित होते हैं और समझ आपकी तभी बनेगी जब आप देखेंगे कि किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं ठीक है साथियों अब आप अपना टेस्ट दें संस्कृत अनुवाद तो साथियों देखिए हम शुरू करने जा रहे हैं संस्कृत अनुवाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से एक दो सवाल कन्फर्म आते हैं साथियों इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया आप सभी को शब्द रूप धातु रूप उसके लकार उसकी विभक्तियों और कारक आदि का ज्ञान होना चाहिए इसके लिए आपको बार बार उन शब्द रूप का और धातु रूप का रिविजन करना है उनको रटना है उनको याद करना है कारक और शब्द रूप को साथ में लेते हुए पढ़ें कारक का जो रूप है उसके विभक्तियाँ हैं उस आधार पर वो शब्द रूप के साथ में लेके पढ़ें आप हिंदी अनुवाद आराम से कर पाएंगे मैंने नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि कारक विभक्ति और शब्द रूप आदि का किस प्रकार से अनुवाद हम कर पाएंगे और मैंने वैसे आपको बता दिया है आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी चैनल पर मेरे क्लास ली हुई है शब्द रूप की आपके संस्कृत अनुवाद की रूप की वो आप एक बार ज़रूर देखें पहला सवाल आपके सामने है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है अस्य वाक्य से संस्कृति अनुवाद हम है इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं कवि सु कालिदास श्रेष्ठ है कभी कलदास श्रेष्ठ है कभी कलदास श्रेष्ठ है कभी वो कलदास श्रेष्ठ है देखिए चार ऑप्शन है कौन सा होगा इसमें राइट आंसर साथियों जहाँ पे अनेक में से एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो वहाँ पे किस विभक्ति का प्रयोग होता है अनेक जिन में से यहाँ पे जो अनेक है इन जिन में से श्रेष्ठ बताया जा रहा है उसमें हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है उसमें कौन सी विभक्ति होती है सप्तमी विभक्ति होती है तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक साथ है साथियों कवि सु कालिदास श्रेष्ठ है जहाँ पर अनेक में से अनेक में से एक को श्रेष्ठ बताया जाए और जो अनेक हैं उन सभी में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है अगला सवाल गोपाल मोहन से चतुर है वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है रिपीट होने की संभावना है यहाँ से संस्कृत अनुवाद से विशेष रूप से ठीक है तो ऑप्शन आपके सामने है चारों गोपाल मोहन से चतुर है ऑप्शन चारों है मोहनाथ चतुरय गोपालय मोहनाय चतुरय गोपालय मोहन चतुरय गोपाल से मोहनय चतुरय अब देखिए आराम से ऑप्शन देखिए दोनों चारों जो ऑप्शन है आराम से सभी ऑप्शन पढ़ें उसके बाद ही जवाब दें तो कौन सा होगा इसमें राइट आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए साथियों कैसे हुआ है तो मैं आपको बता दूँ जहाँ मैं दो में से एक को श्रेष्ठ बताऊँ जहाँ दो में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है दो में से एक को होशियार बताया जाता है चतुर बताया जाता है तो अब जिससे श्रेष्ठ होता है जिससे श्रेष्ठ होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है ठीक है तो यहाँ पे मोहननाथ गोपाल जो है मोहन से चतुर है तो जिस से चतुर है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा तीसरा सवाल छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं इतिश्य संस्कृत अनुवादम को होता है इनका संस्कृत में अनुवाद करो छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं तो ऑप्शन चारों आपके सामने हैं साथियों छात्र अध्यापकम पढ़ती छात्रा अध्यापकात पठनती छात्रा अध्यापकेन पठनती छात्रा अध्यापक से पठनती कौन सा होगा इसमें राइट आंसर साथियों तो जहाँ पे सभी छात्र अध्यापक के पास में बैठ के पढ़ते हैं ठीक है तो जिससे पढ़ते हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और पंचमी विभक्ति किसमें साथियों अध्यापक पटनती ठीक है तो इसमें बी टाइट एंशन हो जाएगा रमा सीता की दुष्टों से रक्षा करती।, करती है रमा सीता की दुष्टों से रक्षा करती है तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन पढ़ें आराम से यहाँ पे रक्ष धातु ये आप ध्यान रखें जहाँ पे आती है तो वहाँ पे कौन सी विभक्ति होती है यहाँ पे जो धातुएँ होती है उस आधार विभक्ति का प्रयोग होता है तो आप कारक जो है कारक यदि आपको आराम से आ रहे हैं शब्द रूप आराम से आ रहे हैं विभक्ति आ रही है तो आराम से आप अनुवाद कर पाएंगे उनको पकड़ पाएंगे तो रमा मैं इसके लिए अगले वीडियो बना दूंगा विशेष रूप से रमा सीतिया दुष्टाम रक्षती रमा सीता खलानाम रक्षती रमा सीताम दुष्टिबे रक्षती रमिया सीता दुष्टिबे त्रायते कौन सा इसमें इस राइट आंसर होगा साथियों हो? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके रमा सीताम दुष्टिबे रक्षती अब यहाँ पे दुष्टों से मतलब बहुवचन है तो यहाँ पर दुष्टिबे आ जाएगा अगला सवाल पिता पुत्र पर क्रोध करता है पिता पुत्र पर क्रोध करता है तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन पढ़े पहले आप जो कार्य पढ़ते हैं सह तो कर्ता ने क्रम को करने से अधिकरण में जो आप पढ़ते हैं अधिकरण में पे पर सप्तमी में क्या पढ़ते हैं में पर पढ़ते हैं ठीक है अब यहाँ पे पुत्र पर आया है उस आधार पे आप सीधा कहाँ पे जाएंगे सप्तमी विभक्ति पर जाएंगे लेकिन नहीं यहाँ पे क्रुद्ध धातु जो आई है क्रोध आया है इस पर उस आधार पर यहाँ पे भक्ति का प्रयोग होगा उस आधार पर अनुवाद संस्कृत में होगा तो चारों ऑप्शन पढ़ें पिता पुत्रम क्रुद्यती पिता पुत्र आय क्रुद्यती पिता पुत्रम क्रुद्यती पिता पुत्री क्रुद्यती कौन सा होगा इसमें राइट आंसर तो इसमें जिस पर क्रोध किया जाता है तो उसमें आपके चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है जिस पर मतलब जिसके लिए क्रोध किया जा रहा है यहाँ पे इसका नहीं है कि इस पर क्रोध यहाँ पर होता है पिता पुत्र के लिए क्रोध करता है ठीक है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके भी इसमें राइट आंसर हो जाएगा छठवा सवाल मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं भाई वो तो आपको भी लगते होंगे <laughs> इतिश वाक्य से संस्कृत अनुवाद अब बहुत ही मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा तो देखिए चारों ऑप्शन पढ़े आराम से माम रसगुल रसगोल कहानी रोचते मयम रसगुल कहानी रोचनते मम रसगोल कहानी रोचनते मैया रसगुल का रोचनते कौन सा होगा इसमें राइट आंसर इसमें होगा साथियों यहाँ पे देखिए जहाँ पर प्रिय लगते हैं रुच धातु का प्रयोग होता है वहाँ पे अच्छे लगते हैं तो रुच धातु जहाँ पे आती है वहाँ पे हमेशा क्या होगा चतुर्थी विभक्ति ठीक है और वहाँ पे कौन सी होगी इसमें कौन सी है राइट आंसर कौन सा होगा मयम ठीक है रसगोलकानी रोचनते इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रुचि अर्थ नाम प्रिय माना के आधार पर जहाँ पर रुचि के अर्थ वाले जो धातुएं तो हैं उसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा भिखारियों को धंधो इतिष्य वाक्य से संस्कृत अनुवादम करता है भिखारियों को धन दो इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद करो तो साथियों सात सात सवाल जो आपके है सामने हैं सातवा उसमें आप चारों ऑप्शन पढ़े आराम से भिक्षुकाय धनम देही भिक्षुकेवे धनम देही भिक्षुका धनम देही भिक्षुकम धनम देही अब देखिए आराम से चारों ऑप्शन पढ़े जल्दबाजी न करें इसमें इसमें आप जल्दबाजी न करें कौन सा होगा इसमें राइट आंसर साथियों देखिए यहाँ पे पूछा आप भिखारियों को धन दो देने के अर्थ में जो होती है ये धातु जो होती है देने के अर्थ में वो आप वहाँ पे चतुर्थी भ्यक्ति होती है वहाँ पे कौन सी होती है चतुर्थी भ्यक्ति होती है तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा जल्दबाजी न करें मैं अब भी कह रहा हूँ यहाँ पे देखिए भिखारियों यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ है वहाँ पर क्या है बहुवचन तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे भी बहुवचन वाला जो शब्द है चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन वही आपके सामने इसका राइट आंसर होगा भिक्षुके बे धनमदेही यहाँ पे भिक्षुकाय नहीं होगा ठीक है एक वचन का होता है ये यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हो रहा है द्रिद्र को दान देता है द्रिद्र को दान देता है इतिष्य संस्कृत अनुवाद करें यहाँ पे भी देखिए देने की जो धातु आई है उसमें कौन सा राइट आंसर होगा ऑप्शन आपके सामने द्रिद्राय दानम दानम ददाती द्रिद्रय द्रिद्र दानम ददाती द्रिद्रम दानम ददाती कौन सा होगा इसमें राइट आंसर इन तीन में से बता दीजिए देखिए यहाँ पे बात कर रहे थे हम देने के योग में चतुर्थी तो यहाँ पे चतुर्थी किस में आई है इसमें राइट आंसर हो साथियों ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा अगला सवाल वह ब्राह्मण को धन देता है वह ब्राह्मण को धन देता है तो ऑप्शन चारों आपके सामने हैं संस्कृत अनुवाद क्या होगा आराम से चारों ऑप्शन पढ़ें सविप्रम धनम ददाती सविप्रेण सविप्रत्य स कौन सा होगा इसमें तो यहाँ पे देखिए वही देने के अर्थ में कौन सी होती है चार ऑप्शन पढ़ें और उसके बाद में चतुर्थी विभक्ति कहाँ पे है विप्राय धनम ददाती ब्राह्मण को यहाँ पे देखिए एक वचन है तो यहाँ या पे एक वचने वाली हो जाएगी दसवां सवाल पिता पुत्र के साथ गया पिता पुत्र के साथ गया संस्कृत अनुवाद करो चारों ऑप्शन पढ़े आराम से पिता पुत्रेण सह अगछत पिता पुत्र से सह अगछत पिता पुत्रेण सह अगछत पिता पुत्रेण सह अगछताम क्या होगा राइट आंसर इसमें साथियों बताएं देखिए सह साकम शारदम समम सह साकम शारदम समम इसके योग में कौन सी व्यक्ति होती है आराम से देखें इसके योग में हमेशा तृतीय व्यक्ति होती है कौन सी व्यक्ति होती है तृतीय व्यक्ति होती है अब तृतीय व्यक्ति देखिए इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है शुद्ध कौन सा इनमें से ये तो अशुद्ध है रा आगे ऐसा आगे तो यहाँ पे न करना हो जाएगा ठीक है तो ये तो अशुद्ध हो गया आपने तो ये कट गया ये कट गया ये दो बचे हैं तो कौन सा होगा इसमें जो धातु है धातु आगे वाला देखिए कौन सा होगा साथियों अगछित यहाँ का प्रयोग नहीं होगा और अगछित होगा हो जाएगा मोहन है मोहन तो गेंद से खेलता है मोहन गेंद से खेलता है अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद अस्त इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद है तो यहाँ पे क्या होगा संस्कृत अनुवाद चारों पढ़े मोहन है कंदुकात क्रीडती मोहन कंदुकम क्रीडति मोहन कंदुकाय क्रीडति मोहन कंदुकेन क्रीडति क्या होगा क्या में राइट आंसर तो जहाँ पे साधन के रूप में साधन में हमेशा कौन सी होगी तृतीय व्यक्ति होती है तृतीय व्यक्ति होती है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मोहन कंदुकेन क्रीडति क्रीडति जो है तृतीय व्यक्ति हो जाएगी जिससे खेल रहे उसमें तृतीय व्यक्ति हो रही सवाल हरि वैकुंठ में रहते हैं हरि वैकुंठ में रहते हैं तो कौन सा होगा चार ऑप्शन पढ़ें हरी वैकुंठम वस्ती हरी वैकुंठम अधिवस्ती हरी वैकुंठे अधिवस्ती हरी वैकुंठे उपवस्ती क्या होगा बार सवाल आपके सामने है देखिए वैकुंठ में रहते हैं ठीक है तो इसका राइट आंसर जो साथी होगा वो आपके कौन सा होगा अधिवस्ती क्या होगा अधिवस्ती तो होगा लेकिन वस् से पहले अधि उपसर्ग आ जाता है तो उस समय द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों द्वितीय भक्ति और अधिवस्ती यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बी राइट आंसर हो जाएगा बलि से पृथ्वी मांगता है बलि से पृथ्वी मांगता है संस्कृत अनुवाद कौन सा होगा इसमें चार ऑप्शन पढ़ें बले वसुधाम याचित बलि याचेत वसुदा याचते वसुदा बलिम याचते वसुधाम बलिना याचते, याचते वसुदा कौन सा होगा मांगने गति में बलि से याच धातु आ गई दुह याच पृथ्व दंड सौल आतुएं होती है अक्युतम चय उसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है तेरवें में कौन सा होगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों आराम से पढ़ें इसमें राइट आंसर होगा बलीम याचते वसुधाम इसमें सी राइट आंसर होगा याच धातु के अर्थ में द्वितीय भक्ति इस प्रकार से चौदह सवाल वह गुरु से प्रश्न पूछता है वह गुरु से प्रश्न पूछता है अनुवाद क्या होगा ऑप्शन प्रश्न आराम से पढ़ ले भले वह गुरु से प्रश्न पूछता है ऑप्शन आपके सामने है सह गुरु प्रश्नम पछती स गुरुवे प्रश्न पृछति स गुरु प्रश्न पृछति स गुरुम प्रश्न पृछति कौन सा होगा इसमें राइट आंसर जल्दबाजी न करें वह गुरु से प्रश्न पूछता है तो पृछ धातु आ गई वह पृछ धातु याद प्रदंड यहाँ पे पृछ धातु आई है तो कौन सा होगा स द्वितीय व्यक्ति स गुरुम प्रश्नम पृछती डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है गुरु शिष्य से प्रश्न पूछ रहा है इसमें देखिए संस्कृत अनुवाद करो तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसमें चलो ऑप्शन पढ़े आराम से गुरु शिष्य प्रश्नम पक्षती गुरु शिष्यात् प्रश्नम पच्यती गुरु शिष्यम प्रश्न पचती गुरुणा शिष्य प्रश्न पृछती कौन सा होगा इसमें राइट आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो गुरु शिष्यम प्रश्न पृछती इसमें राइट आंसर हो जाएगा अगर विद्यालय की ओर जाता है ऐसे वाक्य से संस्कृत अनुवाद अस्थि इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या है तो ऑप्शन चारों आपके सामने स विद्यालय प्रस्तृति स विद्यालय प्रति गशति स विद्यालय प्रति गशति स विद्यालय प्रतिगशति स विद्यालय से प्रति गचति कौन सा होगा यहाँ पे इसके योग में कौन सी व्यक्ति होगी यहाँ पर राइट आंसर कौन को कौन सा होगा ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रति जिसके प्रति जा रहे है इसमें द्वितीय व्यक्ति विद्यालय प्रति ठीक है तुम्हारा नाम क्या है संस्कृत के अनुवादम करते हैं संस्कृत में अनुवाद करो तुम्हारा नाम क्या है चार ऑप्शन पढ़े तो नाम किम तुव है नामाह किम त्वत नामम किम तस्य नाम किम तो कौन सा होगा इसमें राइट आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों त्वे नाम है कि ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा मेरा नाम गोपाल है अब नाम बता दिया अगले ने तो कौन सा होगा इसमें मेरा नाम गोपाल है इसमें अनुवाद कौन सा होगा इस वाक्य का मम नाम गोपाल है मम नाम गोपाल है अहम नाम गोपाल है मम नाम गोपाल है कौन सा होगा इसमें राइट आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों मम नाम है मम नाम गोपाला है इसमें राइट आंसर क्या होगा नाम के आगे क्या है विषय नहीं आएगी ये थोड़ा याद रखें ठीक है मम नाम है गोपाला है ये इसमें शुद्ध हो जाएगा अगला वे सब संस्कृत पढ़े वे सब संस्कृत पढ़े संस्कृत अनुवाद कौन सा होगा इसमें राइट आंसर सारा ऑप्शन आपके सामने ते संस्कृतम पठंतु ते संस्कृतम पठंती यूयम संस्कृतम पठत व एम संस्कृतम पठाम है यहाँ पे देखिए वे सब पहले ये क्या है वे सब है। तो वे सब का क्या होगा संस्कृत में आप यदि इतना ही पता है आपको सह तते त्वम यम अहम अवाम वयम तो सह तवते मतलब वे, वे दोनों वे सब तो अब ते किसका कहाँ पे होता है वे दो, वे सब का क्या होगा ते तो इसमें राइट आंसर अपने आप क्या हो जाएगा ते संस्कृतम पटंतु मैं ने नेक्स्ट वीडियो जब लेके आऊँ रूप वाला विशेष रूप से आप देखें सब आराम से सुनने आ जाएगा तुम सब मेरे साथ संस्कृत बोलो तुम सब मेरे साथ संस्कृत बोलो इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करो तो चारों ऑप्शन पढ़ लें आराम से पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन रोक वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं आराम से तुम सब मेरे साथ संस्कृत बोलो इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करो कौन सा होगा इसमें तुम सब का क्या होगा यूजम मेरे साथ तो कौन सा होगा इसमें राइट मयास है और संस्कृतम संस्कृतम बोलो वदत सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा इक्कीसवा सवाल आपके सामने है हम सबको सत्य बोलना चाहिए चार ऑप्शन पढ़ें और हम सबको सत्य बोलना चाहिए इसका संस्कृत में कौन सा राइट आंसर होगा वयम सत्यम व वयम सत्यम वदंतु वयम सत्यम वदा मैं वयम सत्यम वदिशा में तो कौन सा होगा इस मेरा टेंसर या फिर चाय एकत्र में कौन सी धातु होती है मैंने आपको कहा था विधि लिंग लगा जब ने धातु रूप की टेस्ट ली थी तो उसमें लगा रहा था विधिलिंग ठीक है इसके रूप जो चलते हैं मैंने आपको ये भी कहा था ऊपर एक मात्रा वाले जो चलते हैं ठीक है पठेत प्रताम पठेयू तो अब यदि आपको इतना सा याद रहा है तो आराम से इसको सही कर पाएंगे चाहिए एकत्र में इस प्रकार से रूप चलेंगे पठेत प्रितमाम तो इसमें क्या हो जाएगा वधेत वधिताम इस प्रकार से हो जाएगा ठीक है साथियों तो आप थोड़ा गौर करें जो मैं बोल रहा हूँ छोटी चोड़ छोटी बातें हैं वो आपके सवाल सही करा सकती है बाईस सवाल अधोलिखित की वाक्य से संस्कृत अनुवादम को तो है संस्कृत में अनुवाद करो इस वाक्य का तो देखिए वाक्य मैं आपको बोल देता हूँ इसमें लिखा हुआ नहीं है वह इसमें राइडेंसर क्या होगा इसमें आपके सवाल क्या है अभी वह मैं और तुम विद्यालय जा रहे हैं तो वह मैं और तुम विद्यालय जा रहे हैं इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा तो ऑप्शन चारों आराम से पढ़ लें वीडियो को रोक के सह अहम तो अच्छे विद्यालय में गिछा में स तम अहम च विद्यालय गच्छा गछनति स अहम तुम च विद्यालय गच्छनति स अहम तुम च विद्यालय गच्छ में कौन सा होगा इसमें राइट आंसर साथियों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके ए स अहम त्वम च विद्यालय गच्छम है ठीक है साथियों इस प्रकार से हमने आज देखे बाईस सवाल अब बाईस में से आपके कितने सही हो रहे हैं आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएँ ठीक है साथियों इसके अलावा आप गौर करें आप कहाँ गलतियाँ करें आप कारक दोबारा देखें एक बार कौन कौन सी धातु में कौन कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है आप शब्दरूप याद करें लिख लिख कर जो भी है धातु याद करें विभक्ति भक्ति पहचानें इसमें कौन सी विभक्ति है लिख लिख कर याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएंगे ऐसा कोई नहीं है कि संस्कृत में धातु शब्द धाप याद नहीं होते आराम से याद होते हैं बहुत से साथी ऐसे कमेंट करें कि मैं हमेशा दो दो शब्द रूप याद कर रहा हूँ दो दो धातुप याद कर रहा हूँ इस प्रकार से हम लिख लिख के याद करें सब आराम से याद होगा ठीक है साथियों आप सभी का प्यार विश्वास अन्य बना रहे शेयर करते रहें ज्यादा से ज्यादा जो भी साथी जुड़े हैं हिंदी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है पहला टेस्ट हो चुका है हमारा आपने नहीं दिया है तो चैनल पर जाकर देखें आराम से वीडियोज़ में मिल जाएगा आपको प्ले में मिल जाएगा ठीक है साथियों टेलीग्राम पर जुड़े अपने के नाम अपने नाम से इंस्टाग्राम पर बहुत साथी जुड़ रहे हैं आप भी जुड़ सकते हैं मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में तब तक ले जय हिंद जय भारत धन्यवाद